रविशंकर बाबू को मालूम है कि पार्टी बेसिस पर हमको वोट मिल जाएगा। हाँ, उनको निश्चित है कि हम तो जीत जाएंगे पार्टी बेसिस पे। कहने का मतलब ये है पार्टी बेसिस पे वो हिम्मत रखे हुए हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन चाहिए। तो चाय वाला के मोदी जी को टिकट दिन है, पान बेचे वाला का दिन है टिकट है, बोलिए बताइए। और वो घर के उसके घर पर जाएंगे है? तो उसका माँ बाप, उसका बाप राजू इज्जत करता है, लोग भेटे नहीं करते हैं। हम लोग तो बीजेपी को नहीं देंगे, दब नहीं देंगे, कोई नहीं आते हैं, सिर्फ इलेक्शन रहता है तो आते हैं, नहीं है तो कभी ताकने भी नहीं आते हैं कि कभी हम देखे जाए कि मेरा एरिया है तो जाए घूमे फिरे, नहीं। नौजवान को दीजिए, ये सब बूढ़ा आदमी हो गए, बूढ़ा सोच रखते हैं। 2014 से पहले आम आदमी का जीवन बहुत अच्छा था, 2014 के बाद बहुत ही खराब स्थिति है। अब लोग सरकार कह दे कि ना भाई इतना किए इतना किए, तो उसका तो बातें अलग है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, एक कहावत है पुराने जमाने का और कहीं ना कहीं सही भी है, दीपक तले अंधेरा। अगर दिन में दीपक तले अंधेरा देखना है तो आप आइए पटना का मंदिरी। ये मंदिरी वो इलाका है पटना का सबसे फेमस गोलंबर। इनकम टैक्स गोलंबर जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़िएगा ये इलाका आपको मिलेगा। आपको बता दें, इनकम टैक्स गोलंबर से दक्षिणी तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो रिहायशी इलाका है, बड़े बड़े नेता वहाँ पे रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के वहाँ पे कार्यालय हैं। और उसके बावजूद देखिए इस मोहल्ला को, कि जो पटना का सबसे फेमस जो गोलंबर है उसके पास पे कितना विकसित दिख रहा है और कितना मॉडर्न दिख रहा है ये मोहल्ला, ये आपको यहाँ पता चल रहा होगा। इस वक्त चुनावी मुद्दा को लेकर हम बातचीत करने पहुँचे हैं, जनता के बीच समझने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल कैसा है, क्या जो पिछले कैंडिडेट थे वो चुनावी मैदान के बाद यहाँ नजर आए थे, क्या यहाँ पर कुछ विकास भी हुआ है क्या, ये सभी सवालों के बीच चलते हैं जनता के बीच और जानने का प्रयास करते हैं। आए थे रविशंकर प्रसाद का एक कमिटी हॉल है किदवईपुरी में, आए थे वो लोग, अपना लाला लोग के दिए थे, क्या दिए थे, पार्टी उटी दिए थे वहाँ पर ही भीड़ जुटाने के लिए। अच्छा। मंदिरी मंदिरी में काहे ला देंगे, मंदिरी में देने से उनको क्या फायदा है, जीतने के बाद नजर नहीं आए। अरे कहे ना भैया, अपना लाइफ में 50 बरस हो रहा है उनको, मतलब यहाँ का जय बार सांसद रहे हैं, आज तक जीवन में नहीं देखे हैं, टीवी में उनको देखे हैं तो देखे हैं, बस एक ही चीज जान लीजिए, टीवी में देखे हैं कि हाँ ये रविशंकर प्रसाद है। में इतना बगल में ऑफिस है उनका, अरे आती है टीवी में देखे हैं। खाली उनका दर्शन को होके पेट भर जाएगा, क्या करेंगे जाके, नहीं आते कुछ नहीं कह तो रहे हैं। यहाँ जितने मान ले कि 1 लाख आबादी होगा, 1 लाख से 10 आदमी बोलेगा कि हाँ उनको हम देखें, मगर आएंगे तब ना। जैसे आप लोग रिपोर्टर हैं, ले रहे हैं अच्छा चाहे बुरा जो भी कर रहे हैं, तो हम आपको जानते हैं, वो आएंगे तब ना हम एती करेंगे। इस बार जब बटन दबाने जाएंगे दिमाग में क्या सवाल होगा, सवाल क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले है 3 रोटी कपड़ा मकान, आदमी का मूलभूत सुविधा चाहिए, जब यही नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी, ये सब मिल नहीं रहा इधर, कहाँ मिल रहा है आदमी को कमाने खाने के लिए। देखिए 2014 से पहले देश का हालात बहुत नहीं, 2014 से पहले आम आदमी का जीवन बहुत अच्छा था, 2014 के बाद बहुत ही खराब स्थिति है। अब लोग सरकार कह दे कि ना भाई इतना किए, तो उसका तो बातें अलग है, ऐसा कोई बात नहीं है धरातल पर। अच्छा, विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं अंशुल कुमार, जी जी जानते हैं, मीरा कुमार के हैं, उम्मीद है उनसे, अदम उम्मीद है, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि नौजवान लोग को टिकट दीजिए, बीजेपी दे, मतलब जो भी पार्टी देश में है, कांग्रेस दे, नौजवान को दीजिए, ये सब बूढ़ा आदमी हो गए, बूढ़ा सोच रखते हैं। और भी लोग हैं, देखिए चाय का दुकान और राजनीति की बात तो खैर जाना जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाता है। रोजगार है, कहाँ रोजगार है, मेरा मोबाइल का था, मोबाइल बंद होके चाय बेचना पड़ गया इस समय, कहाँ प्रधानमंत्री बेचे हैं कि हमको बेचवा दे, हम लोग तो बेच दिए, हम लोग बेच रहे हैं, देखिए आप लोग दिखाइए, लस्सी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, क्या करेंगे, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी हो गए, कोई नहीं आते हैं, सिर्फ इलेक्शन रहता है तो आते हैं, नहीं है तो कभी ताकने भी नहीं आते हैं कि कभी हम देखे जाए कि मेरा एरिया है तो जाए घूमे फिरे, नहीं कुछ नहीं। मुद्दा क्या होगा जब बटन दबाने जाएंगे इस बार? हम लोग तो बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं, दब नहीं देंगे। अंशुल को जानते हैं, अंशुल कुमार जी जानते नहीं है लेकिन जान जाएंगे, जान जाएंगे, दम जान जाएंगे, मतलब बीजेपी के नफरत में विपक्ष को पसंद करेंगे। अभी इस बार है ना कि इस बार बोलना नहीं है, हाँ। करना है हम लोग को, इसीलिए हम लोग किसी को बता ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, दम चुप चाप। 15 साल से
से लगातार यहाँ पर जो है कैंडिडेट बीजेपी के आ रहे हैं, जितने जो है कोई आते नहीं है, क्या आपकी कमजोरी है आप लोग की? कमजोरी मेरा नहीं, कमजोरी उनमें है तो उनको आना चाहिए, मेरे हम लोग पास देखना चाहिए, तब तो आदमी समझ में आएगा, लेकिन कुछ आते ही नहीं है। बाकी जीत कैसे जाते हैं, जब आते नहीं क्षेत्र में काम नहीं करते तो फिर जीत कैसे जाते हैं? इस बार अगले मतलब अगले चुनाव में देखे थे मेरा आरजेडी, क्या बोल रहे हैं, तेजस्वी जी जीत गए थे, काहे नहीं हो पूरा कर, दो ए तक गिनती हो जाता है, 12 बजे रात क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए ये सब, समय पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ के विधायक बीजेपी के, वो कैसे काम कर रहे हैं? सिर्फ काम नहीं, हम लोग का मुखिया है, मुखिया जी करते हैं, नितिन नवीन जी को तो हम लोग जानते हैं, कहाँ कर रहे हैं, हम लोग तो जानते हैं, मुखिया जी को जानेंगे, वो कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे ये कर रहे हैं, नितिन नवीन जी आएंगे तब, कभी तब आएंगे तभी तो जानेंगे। चल, इस बार जो वोट डालने जाएंगे दिमाग में क्या चलेगा उस समय? कुछ नहीं चलेगा, चेंज हो जाएगा, चेंज करना है हम लोग को। क्या चाचा, क्या माहौल है इस बार, बता दो दीजिए, बार बार बताइएगा, डॉक्टर अंशु को देंगे वोट, अच्छी तरह जानते हैं अंशु को। हाँ, पर वो घर के, उसके घर पर जाएंगे तो उसका माँ बाप, उसका बाप राजू इज्जत करता है, आई लोग भेटे नहीं करते हैं। हाँ, पहले 4 गो बॉडीगार्ड रहेगा, का काम है चिट्ठी लिख के दीजिए। अच्छा, इस बार जो वोट डालिएगा तो किसके नाम पे, तेजस्वी के नाम पे, राहुल के नाम पे कि अंशु के नाम पे? हम लोग अंशु के नाम पर, राहुल के नाम कहाँ जाने, राहुल आवेगा मेरे पास में, राहुल नहीं आएगा ना, तेजस्वी आवेगा नहीं ना, अंशु आवेगा, हाँ क्षेत्र का है, बगल का है, हाँ हाँ। चलिए, यहाँ पर और भी जो है पब्लिक, उनसे भी बातचीत करते हैं। चाय वाला का बेटा, बेटा आप लोग कर रहा है तो चाय वाला के मोदी जी को टिकट दिन है, पान बेचे वाला का दिन है टिकट, बोलिए बताइए। हाँ, तब मेहनत का किए, हम लोग जानते भी नहीं है कि चाय के वाला बेटा, अभी यहाँ का यह चाय वाला का बेटा तो कहेगा चाय वाला। इस क्षेत्र में मंदिर में बातचीत करते, क्या नाम हो गया? अनिल कुमार। कहाँ, यही करने वाला है? हाँ, यही कराने वाला हूँ। क्या चल रहा है इस बार चुनावी माहौल यहाँ का? चुनावी माहौल यह है कि इस बार मैं बीजेपी का अथी वोटर हूँ और बीजेपी का ही वोट देता था, लेकिन इस बार मैं वोट दूंगा कांग्रेस को, ऐसा इसलिए दूंगा, नफरत इसलिए बदला, मेरे पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है अब मेरे अपने क्षेत्र का, पटना साहिब लोकसभा और विधानसभा दोनों, विधायक और एमपी दोनों से, रविशंकर प्रसाद जी के मेरे क्षेत्र में क्या कभी भी रूबरू होते हैं जनता से, कि आपके क्षेत्र में बगल में रहे उसने मतलब रूबरू होते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है लोगों को? कुछ काम उनका दिखा क्षेत्र में? कुछ नहीं, हमको पता चला आते हैं अपना जो अपना उनका खर्च करता है बढ़िया बढ़िया उनके पास मिले जिले, बस जनता से कोई रूबरू नहीं है। अच्छा, मोदी यहाँ पानी का सबसे बड़ा समस्या है, पानी का समस्या? हाँ, पानी यहाँ नहीं है, ये जूझ रहे हैं कम से कम 20 बरस से हम लोग पानी का समस्या, यहाँ अगर 40 फीट पे अगर पानी नहीं मिलता तो हम लोग प्यासे मरते हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, नहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, समझे, यही दिक्कत है। अच्छा, इस बार रविशंकर का विरोध तो है, हाँ, वोट देना है राहुल को, तेजस्वी को? नहीं, राहुल नहीं, हम जो महागठबंधन का जो कैंडिडेट है उनके वोट देंगे हम, महागठबंधन कैंडिडेट के? हाँ हाँ, राहुल और तेजस्वी कुछ नहीं, उसको पर क्यों देंगे हम, जो मेरा हमको अच्छा लग रहा है उनको हम वोट देंगे। बड़ा सवाल है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि काम नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी आज तक 5 साल 10 साल में कोई तो मेरा विधायक हो जाए, वोट कौन देता, क्या करे, जनता चाह रहा था कि अब की बार कुछ यही होता था, पार्टी बेसिस पर वोट दिया जाता था, जैसे हम पार्टी बेसिस पर वोट देते थे, लेकिन अब पार्टी बेसिस को भी छोड़ा जाएगा, मौका मांग रहे हैं ठीक है, मौका क्या है वो तो बाद देखा जाएगा, अब तो वोटिंग के रोज क्या मन बदलता क्या होगा वो तो बाद की बात है, आप लोग जो फ्लैक्स कीजिएगा वो तो उसको जब शुरू हुआ तब आए हैं कि नहीं इधर? नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कि उनको लगता हो कि यहाँ हमको वोट नहीं मिलता तो नहीं जाते, वो निफिकिर है कि यहाँ तो वोट दे ही देगा पार्टी बेसिस पे, रविशंकर बाबू को मालूम है कि पार्टी बेसिस पर हमको वोट मिल जाएगा, हाँ उनको निश्चित है कि हम तो जीत जाएंगे पार्टी बेसिस पे, कहने का मतलब ये है पार्टी बेसिस पे वो हिम्मत रखे हुए हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन चाहिए। अपना मत किसी को देगा, रविशंकर का काम पसंद आ रहा है, एको गली गली में घूमी ना, जब विधायक जी पूछे तो जब से जीती ना है एको गली में घूमी ना है, एको मरता ना है, कह रहे हैं कि अब जो हुआ भूल चुक माफ, भूल चुका थे, रसगुल्ला खा लीजिएगा फिर खा के चल जाएगा घर है, जाइए चूल्हा लगावे,
आए कभी गली में आके घूमी ना लाके देखिए तो नाले में कुत्ता हाका के चढ़ा है कोई पूछ हो रहा है घूमिए ना मेरा चले कोई नहीं, 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 नहीं तो बोलिए हम गली गली घुमा के दिखाते हैं। अच्छा अंतुल कुमार भी जानते हैं? कोई के नहीं, सिर्फ जो आएगा जो बढ़िया काम करेगा उसी का वोट देगा आदमी। तो मतलब कुछ मन में चल रहा होगा ना कि ये नेता बन जाता तो इसको वोट देते हम? वो तो आने वाला समय बताएगा, नहीं है। नहीं, अपना मत किसी पर डाल सकते हैं। अच्छा क्या मुद्दा सुनिए ना, किस मुद्दा पर वोटिंग करेंगे आप? क्या मुद्दा होगा जब वोट डालने के दिमाग में क्या चलेगा? विकास चाहिए, आदमी के रोजगार चाहिए, दुकानदारों ने वो लोग का रोजगार दीजिए, दुकान बना के दीजिए। वोट डालने से पहले आदमी बचेगा? इतना डस्ट उड़ रहा है की रोड में, देखिए देख किसी का भी दुकान कहीं भी डस्ट बहुत ज्यादा है। इतना कि आदमी मरने पे तो का बोले, कोई स्थिति नहीं बचे ना दुकान का ना कुछ, ना सफाई होता है ना कुछ होता है, ना कभी पानी छिटाता है ना कभी डस्ट उड़ते रहते, इतना परेशान डस्ट से भी आदमी नाला का काम इसी वजह से। बात बाकी हम लोग तो किसी को चिन्हबे नहीं करते, कौन खड़ा है कौन जीता है यहाँ से जन्मे नहीं करते हैं, जीतबो करता है आदमी मुखिया बस खाली आएगा और कहीं नहीं। घर बगल में है भैया, हम जानते हैं, आपको जानते हैं क्या पीस न्यूज में है? नहीं ना, उसी तरह कोई मुखिया प्रताप ना चिन्हते हम लोग। अच्छा ये बताइए अंतुल कुमार को जानते हैं? बोल तो रहे भैया, जो जो बढ़िया से दो चार मरते जीते उनको तो जन्मे नहीं करते हैं, देखेंगे जो वहाँ निशान दिखेगा उसको दबा दे देंगे। आपका कहना लोटो पे तो जीतेगा भाई आदमी ना, लोटा पर भी लोटा में भी जो जिसका सबसे ज्यादा रहे वो जीतता है ना। 33% जाएगा तो रद्द होगा ना? नहीं होता है, पहले होता था 2000 जब बना था नियम तब, अब नहीं होता है। अब जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ना वोटिंग वही जीतता है, वही जीत जाता है। चलिए तो हम इस वक्त मंदिरी में थे और जनता के बीच थे, और साफ तौर पे रविशंकर प्रसाद का ये क्षेत्र है, नफरत साफ दिख रहा होगा भाषा में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम बीजेपी के मतदाता हैं, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद रविशंकर कभी नजर ही नहीं आए, तो इस कारण बीजेपी के मतदाता होते हुए भी मजबूरी में किसी ऐसे कैंडिडेट को हम वोट करेंगे जो बीजेपी को हरा देगा। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा दैनिक जिंदगी के साथ। धन्यवाद।